I think it's wonderful, the Wedding Junction show. You know, I'm here for the first time, and I think it's beautifully organized. First and foremost, I would like to congratulate everybody who is, you know, kind of organized the show. Second of all, it's beautiful, all the designers, their stuff. What do you have to say, Ajay? Absolutely mind-boggling, you know, it's totally mind-blowing. Okay, so very nice. We are a team today, we are here. A film called My Mother's Wedding is releasing soon, guys. So, because this is called the Wedding Junction Show, and our film is called My Mother's Wedding, so we thought, why not? This is the best place to be here for My Mother's Wedding. And Ajay is a very fine theater actor, and he's going to play my husband in the film. I mean, he's played my husband in the film. Yeah. And this is our little star, Abhishek. इनको तो आपने देखा ही होगा तुम्हारी सुलू में. ये एक क्वेश्चन मार्क है कि ये मेरे बेटे प्ले कर रहे हैं या कुछ और प्ले कर रहे हैं फिल्म में, है ना अभिषेक? तो लोगों को ये फिल्म देखनी होगी. एंड एक तो नाम इतना कैची, माय मदर्स वेडिंग. दूसरी बात, ये फिल्म बहुत ही सुंदर बनी हुई है. शॉर्ट फिल्म है, 15 मिनट की फिल्म है. एंड एक 23 साल के लड़के ने ये फिल्म बनाई है. इनफैक्ट DOP है, वो भी बहुत यंग है. हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो भी पूरी टीम, इट्स अ वेरी यंग टीम जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, लिखी है, प्रोड्यूस की है, डायरेक्ट की है. तो सनिल जो फिल्म में काम भी कर रहे हैं, वो डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, वो किसी कारण से यहाँ आ नहीं पाए. लेकिन उनकी कमी हम महसूस नहीं होने देंगे यहाँ पर. एंड या प्लीज, सो हम पूरी टीम ऑडियंस को ये कहना चाह रही है कि प्लीज़ हमें खूब सारा प्यार दीजिए. हमारी ये प्यारी सी फिल्म जिसमें एक बहुत ही सुंदर सोशल मैसेज है, प्लीज़ देखिए. ये फिल्म में एक खूबसूरत किरदार मैंने निभाया है, जो बहुत हटके है. आज तक आपने मुझे कॉमेडी करते हुए देखा है, लेकिन ये फिल्म में एक माँ का किरदार कर रही हूँ. और बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत प्यारा किरदार है. प्लीज़ हमें बहुत सारा प्यार दीजिए और ज़रूर देखिए माय मदर्स वेडिंग. इट्स बूमिंग डे बाय डे. आई थिंक हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है, यूथ, यू नो, अभी जो टेलीविज़न ऑडियंस था, अभी थोड़ा सा डाइवर्ट होके डिजिटल मीडियम में आ रहा है. एंड अपने जो स्मार्टफोन्स है, वो एक ज़रिया है. अभी टाइम नहीं होता है लोगों के पास घर जाके टीवी वीवी देखो, अपने फ़ोन पे ही एपिसोड्स देख लो, या वेब सीरीज़ देख ली, या शॉर्ट फिल्म्स देख ली. एंड कंटेंट बहुत बढ़िया होता है डिजिटल मीडियम में, है कि नहीं अजय? आप and, कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? मेरे ख्याल से आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड टू व्हाटएवर द एल्डर्स सेड, यू नो, दैट द शिफ्ट इज़ वेरी वेरी पैल्पेबल, वेरी क्लियर. एंड यू नो, ऑन योर कम्यूट, आप लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ नहीं है, तो यू वॉच अ शॉर्ट फिल्म, वो समय 15 मिनट का है, और इट लीव्स यू विद अ वेरी नाइस फीलिंग. एंड आई एम 100% श्योर इस फिल्म को जो भी देखेंगे, वो फिल्म के बाद ना कुछ देर तक उनके चेहरे पे एक मुस्कान रहेगी, वो रहेगी, बरकरार रहेगी वो. तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, और ये कोशिश जो हम लोगों ने की, इस यंग टीम ने की है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये जो टीम है, ये आगे जाके बहुत कुछ करने वाली है. तो ये शुरुआत जो है, आप लोग खुशनसीब हैं कि आप लोग इस शुरुआत में हैं, यहाँ पे मौजूद. आई वॉज जस्ट गोना से अभिषेक से कुछ पूछिए. फिल्म बहुत अच्छी थी, और आई एम सो हैप्पी दैट आई वॉज वर्किंग ऑन दिस फिल्म. अगर मुझे फिल्म नहीं मिलती, पता है किसी और को मिल जाती, बट मुझे मिल गया, आई एम वेरी हैप्पी. आ चुकी है ऑलरेडी, वो मुझे नहीं पता, वो सनिल भैया को ही बताएगा. बट अगर वो आई, बहुत खुश रहूँगा मैं कि इतने टाइम बाद उससे मिल सकता हूँ. आप तो ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि उसकी एक्चुअल माँ है, उसको कैसे पता कि वो आने वाली है या नहीं आने वाली है. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इनके साथ काम करने का. आई वाज सो हैप्पी क्योंकि मैं इनकी मूवी, एक वो जो थी कलोना हो, मैं इतनी बार देख के हर हमेशा इनके सीन पे हंसता हूँ, और मैं इतना खुश था कि मैं इनके साथ ही काम कर रहा हूँ. जैसे मैं एक मेमोरी शेयर करना चाहूँगी, ये बच्चा इतना टैलेंटेड है. हमारा एक सीन था
इसमें जैसे मैंने कहा कि बहुत हटके किरदार है मेरा, हर सीन में थोड़ा सा एक यू नो जिंदगी की जो एक रफ्तार होती है एंड उसके बाद जब आप स्लो डाउन कर जाते हो, ये उस पर थोड़ी सी कहानी निर्भर है। एंड जब ये बच्चा मेरी ज़िंदगी में आता है तो एक बहुत ही इमोशनल सीन था उसके साथ, मुझे काफ़ी सारे सैड सॉन्ग सुन सुन के रोना, मतलब मैं एक सैड सॉन्ग सुनती थी फिर मुझे टीयर्स आते थे। ये बच्चा इतनी खूबसूरती से, डायरेक्टर ने जैसे ही एक्शन बोला इतनी खूबसूरती से रो पड़ता था ये, और मुझे अजय आपको याद है जब हमने ये सीन किया एंड इसको रोते मैं रो पड़ी, तो बेसिकली इन्होंने इतनी मेरी हेल्प की उस सीन में, बहुत ही इमोशनल सीन था। और मैंने मेरी लाइफ में कभी इतने इमोशंस एक साथ मैंने कभी किया नहीं था, तो मैं सनिल को भी बोलती थी कि मेरे लिए शायद ये बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा, लेकिन नहीं, इन सारे एक्टर्स ने इतना सपोर्ट किया, इतने बढ़िया साथ में सीन्स किए हमने, एंड अभिषेक इतना बढ़िया रोया कि उसको रोते देख मैं रो पड़ी मेरे सीन में, एंड वो सीन बहुत ही खूबसूरत निकल के आया है। और फिल्म का आई थिंक सेकंड लास्ट एंटी क्लाइमैक्स है वो, बिल्कुल बिल्कुल, एंड इसके आने से फिल्म में ट्विस्ट आ रही है, और वो क्या ट्विस्ट है वो तो आप लोगों को फिल्म देखनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, और आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है, तो गुड लक गाइज, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।